नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। हम इस समय मौजूद हैं पटना कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ में और हमारे पीछे जो ये मशीन भारी भरकम मशीन देख रहे हैं, नाम है बेलर। ये बेलर की उपयोगिता आज के समय में ज़्यादा हो चुकी है और इसकी मांग भी होनी चाहिए। वजह साफ है कि जो हम पराली और तमाम चीज़ें जलाते हैं उससे हमारे खेत की जो शक्ति है वो तो ख़त्म हो ही रहा है, साथ ही साथ बहुत अन्य तरह की समस्याएँ भी आ रही हैं। वो समस्याओं का निजात के साथ ये बेलर आपको अच्छा खासा कमाई भी करवा सकता है। कैसे करवाएगा, क्या इसकी उपयोगिता है, कैसे ये काम करता है और मैंने जैसे बोला पराली को लेके, तो पराली में इसकी क्या भूमिका है, ये सब कुछ आज हमको बताएंगे सर, जो कि पटना जो कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हैं। तो सर पहले अपना परिचय। और मैं डॉक्टर मृणाल वर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र पटना में कृषि अभियंत्रण का वैज्ञानिक हूँ। जी सर, अभी जो हम लोग देख रहे हैं यह बेलर, तो सबसे पहले हम यह बता दें कि पराली प्रबंधन आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है और हमारे किसान भाई आम तौर पर खेतों में जब धान को काटते हैं तो खेत में ही उसको जला देते हैं, जिससे कि जलवायु पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और ऐसा भी देखने को आया है कि जब धान की फसल कटती है उसके बाद से हमारे किसान भाई खेतों में जलाते हैं और पंजाब हरियाणा में जलाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव दिल्ली तक पड़ता है और अपने बिहार में भी हमारे किसान भाई पराली के प्रबंधन में उतना सजग नहीं है। तो इन सभी तथ्यों को देखते हुए पराली प्रबंधन जो है ये आज के समय का सबसे आवश्यक पहलू है और इसके लिए यह जो मशीन है बेलर जी, इसको कहते हैं कि गट्ठर बनाने वाली मशीन। जी जी। तो यह जो गट्ठर बनाने वाली मशीन है यह दो तरीके की होती है। जी सर। एक कि गट्ठर स्क्वायर गट्ठर बनता है और एक राउंड गट्ठर बनता है। तो अभी जो हम लोग मशीन देख रहे हैं यह मशीन जो है यह स्क्वायर गट्ठर बनाती है। अच्छा। यह ट्रैक्टर वर्गाकार टाइप का, वर्गाकार टाइप का, और जो गट्ठर जो है ये जो बेलर है ये ट्रैक्टर से चलता है। अच्छा। और ट्रैक्टर का जो अश्व शक्ति है कम से कम 50 अश्व शक्ति का ट्रैक्टर इसके लिए आवश्यक है। तो हम ये मशीन जो देख रहे हैं, जब मशीन को जब चलाते हैं ट्रैक्टर के साथ, तो यहाँ पर जितने भी फसल अवशेष हैं जी सर, जमीन पर इस क्षेत्र में जितने भी फसल अवशेष होंगे वो सारे के सारे फसल अवशेष ये इसको उठा के अंदर में हॉपर में चला जाता है। और जब अंदर हॉपर में जाता है तो यहाँ पर जो है ये यहाँ से वहाँ उस जगह पर जाता है जहाँ पर कि वो कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट होता है और वहाँ पर धागे रहते हैं। तो ये पूरा जो धागे में बंद मतलब करता है इसको ऐसा लगाया जाता है, ये ट्रैक्टर के पीटियों से लगता है, ये यह ट्रैक्टर के पीटियों में लगता है। जी सर। ठीक है। और ये मतलब इसी तरह से डिजाइन है, मुझे लगा नहीं, ये स्ट्रेट हो जाता है जब चलता है, स्ट्रेट हो जाता है। जी सर। तो फिर ये फिर ट्रैक्टर में लगता है जी, और ये ट्रैक्टर के पीटियों में लगता है, इसको हटा के नीचे से लगाता है। अच्छा, घुमा के कर सकते हैं। जी सर, लगाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सर, इसका क्या मतलब है, ये प्रेशर, ये प्रेशर है, प्रेशर इसका क्या कहानी, किसकी, क्योंकि जब टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर तब ये बताता है, चूँकि यहाँ पर फैन भी लगे होते हैं और जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर विद इन रेंज होना चाहिए, और जब टेम्परेचर विद इन रेंज होगा तो वो मशीन बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो हमने अभी देखा कि वहाँ से पुआल जो है वो इस जगह पर आता है और कॉम्पैक्ट होके यहाँ पर इस जगह से निकलता है। तो हम लोग इसके साइज को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जी सर। उस गट्ठर के साइज को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं और यहाँ पर धागे लगे हुए हैं नीचे, और जब उसी स्थान पर धागे से बंध जाता है और बंध के वो यहाँ से इजेक्ट होके निकल जाता है। सर, ये इसका क्या कहानी है, ये जो है ये मीटर कुछ है या क्या चीज़ है? वो काउंटर है ये, मतलब सर ये बताता है कि कितने गट्ठर बने, कितने गट्ठर बने। अच्छा। कि जब हम मशीन चलाते हैं तो कभी भी जब हम लोग देखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इस मशीन से कुल कितने गट्ठर बने, और जब गट्ठर बन जाता है तो इसको हमारे किसान भाई इस गट्ठर को या तो पशु चारे के रूप में उपयोग करें बरसात के समय में, या बड़े बड़े थर्मल पावर जो हैं, थर्मल स्टेशन जो हैं वहाँ पर इसको एज ए रिसोर्स, मैंने जहाँ कोयला जलाते हैं वहाँ पर इन गट्ठर को डाल के उसको जला के बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो अभी पिछले 3 वर्षों से हम लोगों ने किसानों के खेत में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए इस मशीन से हम लोगों ने गट्ठर बनवाए और उन गट्ठर को हम लोगों ने कम्फेट में दिया जी, कॉम्फेट में दिया, जहाँ पर कि कॉम्फेट में जो गट्ठर हैं वो उस गट्ठर से पशु चारे के रूप में उस गट्ठर का प्रयोग करते हैं। बिक रहा है सर इससे गट्ठर उठर बनाने? प्रति किलो 3 रुपये प्रति किलो आम तौर पर कॉम्फेट वाले जो हैं किसानों को दे देते हैं। तो ये आसानी से किसानों तक पहुंच जाता है। आप ध्यान होगा कि कोसी क्षेत्र में जब बरसात का समय आता है तो पशुओं के चारे में बहुत ही समस्या होती है,
तो अगर हम लोग बेलर से गठर बना लें तो अगर वैसे जगह पर जहाँ पर कि पशु चारे की कमी है वहाँ पर इन गठरों को आसानी से रखा भी जा सकता है और पशु चारे के रूप में इसका प्रयोग भी हम लोग क्या है सर, सरकारी अनुदान क्या है, कितने में कीमत में मिल रहा है? यह मशीन जो है लगभग 12 से लेकर 15 लाख रुपए की यह मशीन है। अच्छा। और इस पर सरकार का अनुदान है और फसल अवशेष प्रबंधन वाली जितनी भी मशीनें हैं या तो हैप्पी सीडर है या बेलर है या हे रैक है, इस पर 90% तक अनुदान है सरकार का, ताकि हमारे किसान जो हैं इसको खरीद कर लाभान्वित हो सकें और जो पराली प्रबंधन है इस दिशा में वो अच्छा कार्य कर सके। तो ये बेलर मशीन की उपयोगिता है और आपने इसकी बारीकियों से लेकर पूरे विस्तार को समझा। डॉक्टर मिनल वर्मा सर ने पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास किया और इसके फायदे भी बताए कि आप पराली खेतों में जला देते हैं, मिलता क्या है आपको? तो कुछ नहीं मिलता है, और नुकसान होता है तो नुकसान बहुत कुछ होता है। आपके जो जीवाणु तमाम जो मित्र होते हैं खेतों के, कीट होते हैं वो मर जाते हैं, उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है, लगातार रासायनिक खादों का उपयोगिता बढ़ती जा रही है और एक वायु प्रदूषण से लेकर कई तरह की समस्याएं भी आपके स्वास्थ्य से लेकर तमाम लोगों पे पड़ रही है। तो यानी कि नुकसान बहुत कुछ है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तो फ़ायदा के लिए इस तरह के बेलर मशीन बनाए गए हैं और जिसका लगातार जो KVK कृषि विज्ञान केंद्र के जो इंजीनियर हैं और जो इससे जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप इसका उपयोग करिए। करीब करीब एक अच्छा खासा राशि भी इस पे अनुदान की प्रतिशत राशि भी सरकार मुफ्त दे रही है, तो आप भी इसको लीजिए। एक लोग भी ले लेंगे गाँव में तो करीब मुझे उम्मीद है कि करीब आधे से गांव से कई लोगों की समस्याएं जो हैं जो पराली जलाने जला देते उसे निजात भी मिल जाएगा। तो मिलके समूह में भी आप ले सकते हैं या एक आपके पास पैसा है थोड़ा सा तो आप आसानी से ले सकते हैं। और इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको कृषि विभाग जो जिला स्तर पर होता है वहाँ जाइए, वहाँ अभियंता जो कृषि यांत्रिकरण जो विभाग होता है वहाँ जाइए, वहाँ से आप जानकारी पूरी तरह से व्यवस्थित और सही ढंग से आप हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेकिन आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा और हम जानना चाहेंगे कि कृषि यंत्र से जुड़े हुए कौन कौन सी यंत्रों की आपको जानकारी चाहिए या उसमें क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, उस सब कुछ आप अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से दीजिए ताकि हम उस प्रतिक्रियाओं को जो कृषि यंत्र जैसे वर्मा जी हैं और तमाम लोग हैं उनसे हम इन सवालों को पूछें और उसका जवाब आप तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए किसान तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है किसान तक। खाना है तो उगाना है।